हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय सेल्फ अभिषेक, बिना किसी देरी करते वीडियो को स्टार्ट। सो आज हमारे साथ में खड़ी है हिमालयन 450 2024 का लेटेस्ट लॉन्च है, लेटेस्ट वेरिएंट है। 1x1 करके सारे स्पेसिफिकेशंस वगैरह की बात करेंगे। ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो गाइस यहाँ पे लिख के आ रही होगी ऑन रोड प्राइस की क्या है इन जयपुर। स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा प्राइस, थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा 1000 से 2000 का, बाकी कोई खास डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। अभी गाइस मैं 1x1 करके सारी स्पेसिफिकेशंस वगैरह की बात करूँगा, कंप्लीट में आज आपको एक डिटेल रिव्यू दूंगा। आप एंड तक देखना वीडियो को, आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि आपको ये बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट में आपको जो है कंप्लीट यहाँ पे स्पोक वायर्ड व्हील देखने के लिए मिल जाते हैं। सीएट के आपको टायर जिसमें देखने के लिए मिल जाते हैं 90x90 सेक्शन के। 21 इंच का आपको जो है स्पोक वायर्ड व्हील देखने के लिए मिलता है फ्रंट के अंदर कंप्लीटली। यहाँ पे आपको जो है हिमालयन की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी। राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स देखने के लिए मिल जाएंगे और ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए मिलते हैं इसके अंदर, जो कि इसको प्रोटेक्ट करते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन को, क्योंकि आपको पता ही है गाड़ी ऑफ रोडिंग वगैरह ज़्यादा चलती है ऑफ रोडिंग वगैरह में, तो यहाँ पे अगर गलती से भी कोई स्टोन या पत्थर आके लग गया तो कंप्लीटली जो है शॉकर लीक हो जाएगा और ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी ठीक है राइडर के लिए। तो इसलिए यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन लगाया गया है, रॉयल इनफील्ड ने काफ़ी ध्यान रखा गया है कि शॉकर बिल्कुल भी डैमेज ना हो। ठीक है यहाँ पे आपको 21 इंच का स्पोक वाइड व्हील देखने के लिए मिल जाता है 90x90 सेक्शन का कंप्लीटली। ऑफ रोडिंग टायर्स आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं, ऑब्वियसली बात है क्योंकि एडवेंचर बाइक है कंप्लीटली, तो इसमें आपको ऑफ रोडिंग टायर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। जो लाइट मडगार्ड है इसका वो कंप्लीटली आपको फाइबर का देखने के लिए मिलता है और जो अपर मडगार्ड है वो भी आपको कंप्लीटली फाइबर का देखने के लिए मिल जाता है। 4.5mm की डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलती है इसके अंदर कंप्लीटली और यहाँ पे जो है बाइबर्स के आपको कैलिबर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सुपर मोटो ABS इसके अंदर आता है, आप अपने हिसाब से ऑन या ऑफ कर सकते हो आगे और पीछे वाले ABS को। ठीक है इसके अंदर आपको दो तरह के मोड्स देखने के लिए मिलते हैं, एक इको और एक परफॉर्मेंस। और फ्रंट से बात करूँ अभी मैं तो एक बार ये देखिएगा इस कितनी अच्छी यार शार्प लुक के साथ आती है गाड़ी। ठीक है यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, ये सब जो है एसेसरीज के पार्ट हैं। ठीक है आपको लगता होगा कि ये गाड़ी के साथ आते हैं बट गाइज ये जो लगेज वगैरह है कंप्लीटली सारी चीज़ें एसेसरीज का पार्ट होते हैं, आपको इनका एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, उसके बाद में ये सारी चीज़ें लग के आती है रॉयल इनफील्ड की तरफ से। रॉयल इनफील्ड की आपको यहाँ पे फ्रंट के अंदर लाइट देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है रॉयल इनफील्ड के स्टिकर्स के साथ में यहाँ पे जो है आपको रॉयल इनफील्ड का कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट विंड वाइजर देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे आपको रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे टैंक प्रोटेक्शन के लिए कंप्लीटली यहाँ पे जो है रॉयल इनफील्ड के लगेजेस लगा रखे हैं, यहाँ पे भी आपको रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ में आपको ऐसे ही देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे भी जो है इंजन प्रोटेक्शन के लिए रॉयल इनफील्ड ने काफ़ी सारी इंतजाम कर रखे हैं। राइट साइड से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ गाइस कि कैसी ये दिख रही है। सो यहाँ पे भी आपको जो है रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी अगेन और यहाँ पे भी जो है आपको इंजन प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं गाइस इसके मिरर्स की, तो मिरर्स जो है कम्प्लीटली आपको जो है इसके अंदर रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी और डार्क मैट फिनिश के अंदर आपको मिरर्स देखने के लिए मिलेंगे राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ। यहाँ पे अभी बात करते हैं कीज़ की, तो कीज़ आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो कीज़ इसकी जो है ऐसी कुछ आपको कीज़ देखने के लिए मिल जाती है कम्प्लीटली, जो नॉर्मल कीज़ आती है सारी रॉयल इनफील्ड की वैसी ही कीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी इसके अंदर भी। यहाँ पे आपको शोवा की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी, शोवा के जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन हैं, जो टेलीस्कोपिक नहीं सॉरी नॉर्मल जो सस्पेंशन है इसके अंदर, सो गाइज़ वो काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है आप हार्ड ब्रेकिंग भी करोगे ना सडनली तो गाड़ी में काफ़ी आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेंगे और काफ़ी शॉक जो है अच्छा एब्जॉर्व कर लेते हैं वो, इसलिए जो है शोवा की यूज़ करती है रॉयल इनफील्ड। अभी मैं एक बार आपको मीटर दिखा देता हूँ ऑन करके, तो आपको कंप्लीटली यहाँ पे डिजिटल मीटर देखने के लिए मिल जाएगा हिमालयन के ब्रांडिंग के साथ में। डिजिटल आपको RPM देखने के लिए मिलेगा, न्यूट्रल देखने के लिए मिलेगा, पावर देखने के लिए मिलेगी, स्पीडोमीटर, टाइम और आपको इंजन टेम्परेचर, और कम्प्लीटली जो है आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो अपने मीटर को। सो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ट्रिप 1 ट्रिप 2 फ्यूल रेंज आप नीचे करोगे इसको, लेकिन गाइज़ इसकी जो क्वालिटी है ना वो काफ़ी नॉर्मल लगी, वीक लगी मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में टूट जाएगा तो बहुत मोटा खर्चा हो सकता है। यहाँ पे आपको वोल्टेज देखने के लिए मिल जाएंगे, इंजन टेम्परेचर देखने के लिए मिल जाएगा और यहीं आप जो है यहाँ पे मोड्स का बटन दबाओगे तो मोड्स में आप जैसे ही जाओगे तो आपको राइडिंग मोड्स, राइड मोड देखने के लिए मिलेगा, परफॉर्मेंस, ABS, ठीक है रियर ABS ऑफ हो जाएगा परफॉर्मेंस के अंदर, फिर एक बार और आप इसको दबाओगे तो यहाँ पे आपको इको मोड आ जाएगा जिसमें ABS ऑन हो जाएंगे और यहाँ पे आप दबाओगे तो आपको यहाँ पे एक बार और दबाओगे आप तो इको मोड आ जाएगा रियर ABS ऑफ के साथ में। तो ऐसे ऐसे आपको इसमें मोड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। किल स्विच की बात करूँ तो ऐसे कुछ आपको किल स्विच देखने के लिए मिल जाता है। ग्रिप जो है वो काफ़ी हार्ड ग्रिप लगा रखी है इन्होंने और ब्रेकिंग और क्लच थोड़ा सा आपको स्टीफर साइड देखने के लिए मिलेगा, आप दो उंगली से असिस्ट कर पाओगे क्लच को, थोड़ा सा हार्डर साइड है क्लच। ठीक है बाकी ओवरऑल गाड़ी अच्छी है वैसे तो। यहाँ पे जो है आपको अप टू इथेनॉल 20 पेट्रोल डाल के भी आप इसको चला सकते हो। हिमालयन रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी, कंप्लीटली मेटल का आपको फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलता है। फ्यूल टैंक की बात करूँ तो 70 लीटर का फ्यूल टैंक आपको देखने के लिए मिल जाता है कम्प्लीटली। एंड ओवरऑल जो गाड़ी है वो कम्प्लीटली एडवेंचर पर्पज़ के हिसाब से बेस्ट पैकेज आपको देखने के लिए मिल जाता है इसके अंदर। यहाँ पे जो है 452 cc का इंजन देखने के लिए मिलता है, सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल विथ 6-speed गेयरबॉक्स 1 down, बाकी सारे आप इसमें गियर सिस्टम आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। रॉयल इनफील्ड की आपको ब्रांडिंग देखने के लिए मिलेगी राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार।
सो ये देखिए गाइस, रॉयल इनफील्ड की आपको ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। अगेन यहाँ पे जो सीट्स है वो काफ़ी कंफर्टेबल आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कुशनिंग जो है रॉयल इनफील्ड की आपको ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी पीछे वाली सीट्स पे, और सीट्स इतनी कंफर्टेबल है ना गाइस, आप इसको कहीं पे भी ले जाओ ऑल ओवर इंडिया में, आपको बिल्कुल भी बैक पेन, हिप पेन या शोल्डर्स में पेन नहीं होगा। पीछे से बात करूँ गाइस मैं, तो पीछे आपको सिंगल शॉकर देखने के लिए मिलता है 7 levels तक आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। आप हल्का फुल्का जो है इसकी मतलब जो हाइट है उसको नीचे ऊपर कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है काफ़ी अच्छे फुटरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, जिनमें काफ़ी अच्छी ग्रिप्स देखने के लिए मिल जाती है। जैसा आप ऑफ रोडिंग वगैरह करो तो आपका पैर बिल्कुल भी फिसले ना, और बिल्कुल भी आपको जो है कंट्रोल रहे ब्रेक्स और गियर्स पे। यहाँ पे आपको पीछे वाला फुटरेस्ट जो है वो ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है। एग्जॉस्ट नोट की बात करें तो बहुत ही यूनिक सा एग्जॉस्ट नोट है इसका। यहाँ पे एक नॉर्मल एग्जॉस्ट नोट दे रखा है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट सा, छोटा सा। पीछे बात करूँ तो पीछे आपको स्पोक वाइड व्हील देखने के लिए मिलते हैं, अगेन 17 inch के। यहाँ पे जो है आपको 3.5 mm की डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है बाइबर्स के कैलिबर्स के साथ में। अगेन यहाँ पे C8 के आपको टायर देखने के लिए मिल जाते हैं 140/80 सेक्शन के, 17 inch स्पोक वाइड व्हील के साथ में। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये लगेज के अंदर आती है गाइस, मैं आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। इनका आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जैसा कि ये हुआ, ठीक है, फ्रंट का है ना, हेडलाइट प्रोटेक्शन, ये जो हुआ लगेजेस वगैरह, ये कंप्लीट रॉयल इनफील्ड की तरफ से आते हैं, आप अपनी इच्छा से लगवा सकते हो, ठीक है। इनका आपको अलग से पे करना पड़ता है, ये एसेसरीज़ के पार्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पीछे की तरफ बात करूँ तो पीछे आपको जो है इसके अंदर काफ़ी एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है रॉयल इनफील्ड गुरिल्ला और 452 में रॉयल इनफील्ड हिमालय में। सो गाइज़ इनके अंदर क्या होता है कि एक्चुअल में जैसा मैंने इंडिकेटर जलाया पीछे वाला, तो पीछे वाला इंडिकेटर तो जलेगा ही, बट साथ के साथ इन्होंने इंडिकेटर के अंदर ये बैकलाइट दे रखी है। यहाँ पीछे कोई बैकलाइट नहीं आती है, सिर्फ एक टेल लाइट आती है जो है नंबर प्लेट दिखाती है कम्प्लीटली। यहाँ पे बाकी जो है ऐसा कुछ आपको बैकलाइट के अंदर ही इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाते हैं, ये देखिए राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ में। पीछे बात करें तो पीछे कम्प्लीटली आपको ऑफ रोडिंग टायर देखने के लिए मिल जाएगा, साडी गार्ड आपको देखने के लिए मिल जाता है इंडियन नॉर्म्स के हिसाब से। बाकी आपको इसके अंदर मैन स्टैंड देखने के लिए मिल जाता है, और ओवरऑल जो गाड़ी है वो कम्प्लीट पैकेज के साथ आती है। मतलब मैं सच बताऊँ ना तो इसकी हाइट भी मैं एक बार आपको बताऊँ तो मेरी हाइट 5'9" है, एक बार मैं इसमें बैठ जाता हूँ, एंड ओवरऑल जो गाड़ी कंफर्टेबल है ना भाई, क्या है बताऊँ भाई, इतना मेरे को अपराइट पोजीशन मिल रहा है इसके अंदर, मुझे कहीं पे भी बैक में हिप में पेन नहीं होगा, है ना, जहाँ तक है अगर मैं इसको लॉन्ग राइड्स वगैरह पे लेके जाऊँगा, और आपको भी जहाँ तक नहीं होगा क्योंकि हाइट वगैरह भी एकदम सही है गाड़ी की। आप अपने हिसाब से बाकी एडजस्ट करवा सकते हो, थोड़ा लो भी करवा सकते हो, थोड़ा अप भी करवा सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। एक बात मैं आपको बताना भूल गया था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर ना आप अपने हिसाब से लो या अप करवा सकते हो। बाकी इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, ठीक है, आप मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो फ़ोन से, और काफ़ी सारे फीचर्स हैं। एक बार मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ फास्ट एंड फास्ट, ठीक है, एक बार मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। सो एग्जॉस्ट नोट की बात करते हैं, तो ऐसा कुछ जो था इसका एग्जॉस्ट नोट था, और काफ़ी बेसिक सा एग्जॉस्ट नोट आपको देखने के लिए मिल जाता है इसके अंदर। एंड ओवरऑल जो गाड़ी है वो कंप्लीट टूर पैकेज के साथ आती है। यहाँ पे एक बार आप गाड़ी देख सकते हो, इसके अंदर 7 to 5 कलर ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ये काजा ब्राउन कलर के कलर आपको देखने के लिए मिलेगा कम्प्लीटली। ओके, सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अगर आपको किसी और चीज़ की वीडियो देखनी है रॉयल इनफील्ड की और किसी गाड़ी की, तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पर जाके, मैंने अपलोड कर रखी है। कुछ भी कमेंट में अगर आपको कमेंट करना हो, कोई सजेशन हो, कुछ भी हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कर सकते हो, मैं आपको कंप्लीट रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। टिल देन स्टे बाय।